सामने में आपको ब्लू स्काई देखने को मिल रहा है और इधर में पूरा ब्लैक, इधर में पूरा ब्लू स्काई, दैट मीन्स मतलब बारिश देने वाला नहीं है जंगल साइड में। गाइस देख रही हो ना सीन सब कितना कष्ट से ले रहे हैं भाई, हादत कर चुका है भाई सीन सब ले लेके। ऊपर आज वो इतना हैंग हो रहा है ना, क्या रहा है भाई इतना भी तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे जो हैंग हो रहा है तुम भाई। सो ये रहा आपका साउंड, तो जितना हो सके जितना अच्छा हो सके उतना दिखाने का कोशिश कर रहे आप लोगों के। मतलब कितना हो रखा है भाई साहब, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना भाई, उफ नंबर प्लेट में तो दिखाई नहीं दे रहे। बाय बाय, हेलो हेलो हेलो, मैं सबसे खोल लो तो बाबा पॉली हाँ हम सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:07। सो है गाइस गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज दीपराज फ्रॉम असम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रिमोटो ब्लॉग्स। सो गाइस आज को घर वापस जा रहे हैं, इससे आगे आपको एक ब्लॉग देखने मिला कि राजगढ़ गया था बहन के घर पे, लेकिन दीदी का घर गया हुआ ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि टोटली पूरा बारिश बारिश दिन था उस दिन। सो बारिश का दिन का वजह से ब्लॉग कर नहीं पाया, तो यहाँ पे बस एक ही ब्लॉग बन पाया और दूसरा प्लान सभी बहुत था कैंसिल हो गया, लेकिन तो अभी घर निकल रहे कोई बात नहीं। सो आज को दिन से का डिलर भी जाना था लेकिन कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है ना, सो पहले घर पहुँच लेते हैं तीनसुकिया। अगर तीनसुकिया जब सिलाबा से जाएंगे तब उसके मतलब बाइक ठीक करके चला जाएंगे। ओके तो चलो गाइस थोड़ा आगे मिलते हैं। तो गाइस क्या हो रखा था पता है, मेरा माइक जो है बाहर में निकला हुआ था। सो माइक जो बाहर में निकला हुआ था तो ऑडियो ख़राब हो गया, मैन आप पता नहीं कैसा आया होगा, चेक तो किया थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा होगा। सो फिर भी एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, घर से निकल के अभी नामरूक टाउन पार हो चुका है, पार होके भी आपका चेन लूप करा लिया और पेट्रोल भी भरा लिया, तो अभी सीधा घर के लिए निकल रहे हैं और इसका भी ब्लैक हो रखा है, तो जल्दी से पार होते हैं डिगबोज जंगल, क्योंकि ये जंगल में जल्दी बारिश देता है तो इसलिए मतलब जंगल को जल्दी पार करते हैं। सो अभी यहाँ से मेरा घर 47 किलोमीटर दिखा रहे हैं। ओके भाई साहब ऐसा होता है ना, मतलब वहाँ से बात करके आ रहे हैं और माइक बाहर में है, तो ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा वीडियो पे देख के क्या ही मज़ा आएगा, खुद को भी एडिट करके भी मज़ा नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, चलो अभी यहाँ से कवर अप कर लेते। ओके आते वक्त ये रास्ता इतना कीचड़ था, मतलब इतना गंदा था बारिश की वजह से, 30-40 मतलब 40 तक भी नहीं, 25-30 स्पीड में मतलब नामरूक तक पहुंच गया था। लेकिन अभी तो बाइक भी गंदा है, कोई टेंशन नहीं है, बस भगाते रहो। मैं आप लोग को थोड़ा देर में दिखा दूंगा कि बाइक लिटरली कितना गंदा हो रखा है, इतना ज़्यादा गंदा मतलब मत बोलिए आप लोग, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। आंटी लोग गाली दे रहा होगा भाई कैसा लड़का बोल के जहाँ तहाँ से घुसा दे रहे भाई, जो बैक फायर दे रहा है फाट फूट करके। सो गाइस दिस इज जयपुर तिनाली, ओके सन खम असम। ओके गाइस अभी तो टेंशन नहीं भाई, मस्त जाएंगे। ओके मस्त से हो गए जाएंगे मस्त। सो अभी गांव का रास्ता घुस चुका है, तो आगे में देख रही हो, आई डोंट नो कैमरा में आ रहा कि नहीं, आगे में कितना सुंदर सा ब्लू स्काई हो रखा है ना, देख रहे हो इस साइड भी ब्लू स्काई लेकिन साइड में पूरा ब्लैक स्काई हो रखा है, बस सामने में आपको ब्लू स्काई देखने को मिल रहा है और इधर में पूरा ब्लैक, तो कुछ देख के अच्छा लग रहा है, इधर में पूरा ब्लू स्काई दैट मीन्स मतलब बारिश देने वाला नहीं है जंगल साइड में। तो चलो कोई बात नहीं, इतना भी खुशी होनी नहीं चाहिए। ओके जो ब्रिज मिलने वाला है ये सब रास्ता तो बात प्रीवियस ब्लॉग में भी दिखाया था ये सब रास्ता, तो जितना हो सके जितना अच्छा हो सके उतना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ओके उतने सो अभी बारिश देने का वजह से पानी का जो लेवल है थोड़ा हाई हो चुका है। सो कितना प्यारा हो रखा है उधर में इसका, इतना सुंदर हो रखा है, इधर में भी पूरा एकदम अच्छा लग रहा है देखने में। एक फ़ोटो क्लिक कर देगा, रुक के भी दिखा भी देते कि आप लोगों को कितना बाइक गंदा हो रखा है। ओके ला देखो भाई, देखो गंदा कितना हो रखा है भाई साहब, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना भाई, उफ नंबर प्लेट में तो दिखाई नहीं दे रहे। और आगे में थोड़ा हवा कम करके रखा है कि रास्ता इतना ख़राब था ना, बहुत बाउंस हो रहा था और एसआर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो थोड़ा इसको नरम कर दिया।
चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं। तो देख रहे हो ना स्काई, इधर में पूरा ब्लैक हो रखा है, इधर में पूरा ब्लू हो रखा है, ब्लू इधर में और इधर में पूरा ब्लैक। तो चलो अब यहाँ से निकलते हो गए, सीधा मिलते हैं आपका मोटर ब्लॉक में, अपना अपना बाइक क्योंकि पूरा गंदा हो चुका है। तो चलो गाइस अभी मोबाइल के यहाँ पे सेट कर देते, उसके बाद यहाँ से निकलते हो। एक बार साउंड सुन लोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा ना, क्या बोलते हो आप लोग? सो यही रहा आपका साउंड। अगर नदी थोड़ा क्लियर होता तो और भी रिफ्लेक्शन अच्छा होता। कोई बात नहीं, कोई दूसरा दिन एक्सप्लोर कर लेंगे। ओके चलो गाइस। अबे यार चलो, वाह ठंडा लग रहा है मैन, थोड़ा गर्म लग गया था यार। सो यहाँ पे जो एक बुद्धा मोनेस्ट्री है, आने वाला ब्लॉग में मतलब इतना अच्छा से कैप्चर कर नहीं पाया तो देख सकते हो, आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ओके टीपम बुद्धा बिहार। ओके सो आके विजिट कर सकते हो, डू विजिट हियर लेने। ओके राइट साइड। ओके ओके गाइस, ओके ओके टीपम रोड। ओके दिस इज कॉल्ड टीपम रोड। अभी जाने के टाइम मतलब पूरा ख्याल करके जा रहे हैं कहाँ पे कौन सा क्या नाम है बोल के। ओके सो यहाँ पे भी एक रिजोर्ट जिसे ये लाइक वही ताए फाके एथनिक हार्ट हार्ट। हमें तो नहीं खाना भाई, डिब्बे में जाएंगे मस्त से, उधर जाके 50 रुपये में 50 रुपया में 5-2 रोटी खा के आएंगे मज़े से। और ब्लॉग भी उधर ही अपलोड करना है, अभी आज को ब्लॉग भी अपलोड करना है आप लोग के लिए। ओके सो यहाँ का जो रास्ता है ना, इतना पीस लगता है ना, इतना पीस मतलब देख रहे हो ना, पूरा शांति एकदम क्लियर। आगे में इसके देखो ना कितना अच्छा लग रहा है मैन, इधर में पूरा पत्थर साइड में पूरा गाय गो, इधर में देख रहे पूरा ब्लैक स्काई। और हम लोग छोटा सा पिल्ला, सब गांव से होके जाता है ये रास्ता, जो जितना ही पड़ता है ना सब गांव से होके जाता है। एग्जॉस्ट होने से ना, एग्जॉस्ट नोट अच्छा होने से ना, प्यारा होने से, जब टोटल पुश करते हो ना बहुत प्यारा लगता है। GoPro आज को इतना हैंग हो रहा है ना, 2 बारी हो चुका है भाई इस मतलब इस टाइम को लगा के 2 बारी हो चुका है भाई GoPro हैंग हुआ। भाई हो क्या रहा है भाई, इतना भी तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे जो हैंग हो रहा है तुम भाई साहब। इतना अच्छा सीन आ रहा है आगे में, इतना अच्छा स्काई हो रहा है ब्लू भाई, थोड़ा फ़ायदा उठाने दो भाई। तुम ऐसा हैंग करने से थोड़ी नहीं होगा भाई, तुम ही तो इकलौता सहारा हो मेरी, इकलौता सहारा हो तुम मेरी। यस सही था ये, हाँ भाई सही था ये। अगर तुम भी ऐसे कर दोगे तो कैसे चलेगा भाई। वाह चलो चलो चलो, स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर है इस रास्ते में, तो थोड़ा केयर होके आना पड़ेगा आप लोग को अगर आ रहे हो इस रास्ते से भाई। 500 रास्ता है ना इसलिए 5 वाले बोला जाता है इसको। ओके मुझे राइट जाना है, कोई नहीं है बस। ओके 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 गाइस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल यार, वेदर ठीक कर रहा है यार, वेदर अच्छा कर रहा है अभी। अब पता नहीं GoPro कैसा कैप्चर कर रहा है, ऊपर से तो इतना बार हैंग हो चुका है अभी, तभी चलाना पड़ता है, क्या करेगा भाई, पैसा नहीं है यार, पीछे नहीं है, पीछे होने से तो 2-3 GoPro लेके चलता है यार। गाइस देख रहे हो ना सीन, सब कितना कष्ट से ले रहे हैं, एकदम इतना कष्ट से ले रहे हैं। तो थोड़ा लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके अच्छा लगे तो जितना सके उतना लाइक कर दीजिए वीडियो को। और भाई हाथ दर्द कर चुका है भाई सीन सब ले लेके। गाइस अभी जंगल का रास्ता आ चुका है, तो देख रहे हो जंगल घुस चुका है, तो अब यहाँ पे डार्क मोड आ जाएगा। सो दिस इज डार्क मोड, देख रहे हो पूरा डार्क मोड। गाइस अभी जंगल ख़त्म हो चुका है, सो अभी यहाँ से घर और 22 किलोमीटर। सो इधर का रास्ता थोड़ा बनाया हुआ है तो अच्छा है, इधर में जंगल का मतलब जंगल का जो रास्ता है बीच में थोड़ा बनाया हुआ है तो थोड़ा ख़राब है। तो स्काई क्या ब्लू हो रखा है भाई, ब्लू
ब्लू वाइट स्मोक और इधर में क्या बोलते हैं ब्लैक सब हो रखा है मतलब। मजा लग रहा है भाई। अभी मतलब बाइक को थोड़ा फूल के चला पा रहे हैं ना तो अच्छा लग रहा है। सभी खाना से खा के होके अभी घर की तरफ निकल रहे हो। ओके आज का वीडियो को यहीं एंड कर दिया। ओके खाना खा के पूरा बोर हो चुका है अभी। सो यहाँ से अभी घर लगभग 4 या 5 किलोमीटर पकड़ लो। ओके सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से। और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग मिस्टर डी मोटो। कुछ अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए ट्राई करेंगे और अच्छा बनाने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती है आज को। ओके